मैगी मैगी मैगी, आज हम बनाएंगे मसाला मैगी। एंड प्लीज वीडियो देखने से पहले लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। चलिए बनाते हैं हम सबकी फेवरेट मसाला मैगी। हमने ऐसी मैगी ले लिया और उसको निकाल लिया है। मैंने कढ़ाई में पानी चढ़ा दिया था बॉईल होने के लिए। अब इसमें हम मैगी डाल देंगे और मैगी को बॉईल कर लेंगे। इस तरह से मैगी बॉईल हो रही तब तक हम लोग चॉपिंग कर लेते हैं। लेंगे टमाटर, टमाटर को ऐसे बारीक बारीक कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने 3 पैकेट मैगी लिया था तो उसमें 2 टमाटर डाल रही हूँ। आप चाहे जितने भी डाल सकते हो आपके पसंद के हिसाब से। ऑनियन भी मैंने 2 ही और इस तरह बारीक बारीक उसको भी चॉप कर लिया था। मैगी ऐसी डिश है ना, जो लोग पीजी या हॉस्टल वगैरह में रहते हैं और जब उनको भूख लगती है ना तो डिनर के तौर पे भी वो मैगी ही बनाते हैं। और हाँ, मिर्च उतनी ही डालेगा जितना आप स्पाइसी खाते हो। हाँ, मैंने यहाँ पे 4 बड़े मिर्च डाले हैं और बारीक काट लिए थे। अब मैगी को स्टीन करेंगे इस तरह से। एक छन्नी आती है बड़ी वाली, उसमें से छान लेंगे और ऊपर से थोड़ा ठंडा पानी डाल देंगे। अब चढ़ाएंगे कढ़ाई, उसमें डालेंगे ऑयल। मैंने मस्टर्ड ऑयल डाले, उसके बाद डाला थोड़ा क्यूमीन, प्याज बारीक कटा हुआ, मिर्च डाल देंगे अब। एंड देन अब इसे मिक्स करेंगे, थोड़ा सा इसे ब्राउन करना है। ध्यान रहे इसे लाइट ब्राउन करना है। अब इसमें डालेंगे हम टमाटर जो हमने पहले ही काट लिए, तो उसके बाद हम डाल देंगे इसमें सॉल्ट। सॉल्ट डालने से ये फायदा रहता है कि टमाटर बहुत जल्दी कुक हो जाते, टाइम नहीं लगता है। थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, और चलाते जाएंगे साथ में। और जब टमाटर कुक हो जाएंगे तो अब इसमें हम डालेंगे मैगी। जी हाँ, जो हमने बॉईल कर लिया था, देख सकते हैं आप लोग। अब इसमें डालिए मैगी। ये मैगी देखते देखते मुझे बिना भूख के भी भूख लग रही है, मुझे क्रेविंग हो रही है कितनी जल्दी खाऊं मैगी में। याद रहे मैगी को ओवर बॉइल्ड बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप ओवर बॉइल्ड कर लेंगे तो मैगी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, ना देखने का ना खाने का मन होगा उसको। मैं इसमें डाल रही हूँ चिली सॉस एंड सेजवान चटनी और थोड़ा सा डार्क सोया सॉस। आपके पास ना हो तो कोई ज़रूरी नहीं इसको डालना, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। देन फिर से अच्छे से मिक्स करिए। अब इसमें हम डालेंगे मैगी मसाला। जी हाँ, अब इसमें हम डालेंगे मैगी मसाला। इसमें मैंने 2 पैकेट मैगी मसाला डाला है। फिर क्या, हमने सॉल्ट तो पहले ही डाल लिया था और हमारी मैगी तैयार है। दिखने में जितनी सुंदर है ना, मैं गारंटी लेती हूँ अगर आप लोग मेरी रेसिपी फॉलो करेंगे ना तो आप लोग कहेंगे क्या मैगी बनी है। ये मसाला मैगी मतलब सुपर से भी ऊपर टेस्टी है। मेरे घर पर ग्रीन कोरिएंडर नहीं था तो मैंने नहीं डाला, आप लोग डाल लीजिएगा ऊपर से। आज हम मसाला मैगी को हम कटोरी या प्लेट में नहीं खाएंगे, हम प्रॉपर मिट्टी के बने हुए बर्तन से खाएंगे। इसको हमारे यहाँ परे बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या भी बोलते हो। मिट्टी के बर्तन में खाने में डबल ही मजे है मैगी। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय बाय, थैंक्स फॉर।